नहाय खाय के साथ चैती छठ महापर्व की शुरुआत आज से हो गई। इससे पूर्व छठ व्रतियों ने पवित्र सरोवरों और जलाशयों में स्नान के पश्चात पूजा पाठ करके कद्दू की सब्जी, चने की दाल और अरवा चावल से बने भोजन को ग्रहण किया। बुधवार को व्रती खरना करेंगी। गुरुवार को अस्ताचलगामी भगवान भास्कर को अर्घ दिया जाएगा। पुनः शुक्रवार को उदयमान भगवान भास्कर को अर्घ देने के साथ ही 36 घंटे तक चलने वाला निर्जला छठ महापर्व का समापन हो जाएगा। व्रतियों ने बताया कि चैती छठ काफी संयमित और विधि विधान से किया जाने वाला व्रत है, क्योंकि बैसाख महीना में संपन्न होने के कारण व्रतियों को बहुत अधिक प्यास लगती है। बावजूद वह निर्जला रहकर इस कठिन व्रत को सफलतापूर्वक वर्षों से करती आ रही हैं। चैती छठ का व्रत हमारे घर भी शुरू हुआ है। ये पिछले 10 सालों से हमारे घर से होता आ रहा है। पहले तो बिहार में ये ज़्यादा फेमस था, बट अब देखते देखते आज ये हर घर में इसका महत्व तो बढ़ता जा रहा है। और आज नहाए खाए हैं, जिसकी शुरुआत हम सुबह से उठ के घर सारा घर को साफ सफाई करना, शुद्ध घी का खाना बनाना, कद्दू चावल बनाना, इस तरीके से खाना बनाना आज इसका यही नियम है। फिर का दूसरे दिन जैसे कि हम लोग व्रती खरना करके रूप में प्रसाद ग्रहण करती हैं, फिर लोगों में प्रसाद बांटा जाता है, और फिर उस तरीके से कल दूसरा दिन इसको पूरा किया जाता है। फिर तीसरे दिन शाम के वक्त सभी व्रती घाट पे जाके सूर्य भगवान को अर्घ देती हैं, और वो शाम को फिर वापस आने के बाद फिर सुबह फिर सभी व्रती घाट पे जाके सुबह सूर्य देवता को फिर से अर्घ दिया जाता है। सभी महिलाएं एक दूसरे को सिंदूर दान करती हैं, घाट पे प्रसाद वितरण होता है, इस तरीके से फिर उसके बाद घर आने के बाद। मान्यता कितनी है इस पर्व को लेकर? इसकी मान्यता तो बहुत है। पहले तो बिहार में इसकी मान्यता बहुत ज़्यादा थी, घर घर में बिहार के लोग करते थे, हर कोई जिसको जो भी मन्नत है मन्नत रख के करते हैं। किसी को संतान प्राप्ति के लिए चाहिए, किसी को घर सुख शांति के लिए चाहिए, किसी को अपना परिवार वंश आगे बढ़ाने के लिए चाहिए। तो सभी का मानना है कि इस व्रत को करने से छठ माता सभी की कामना को पूर्ण करती हैं। और हम भी देखते आ रहे हैं कि पिछले 10 वर्षों से हमारे घर पे ये चला आ रहा है, और हमारे घर दिन ब दिन अच्छा ही होता जा रहा है, जिसके कारण इसकी महत्ता दिन ब दिन बहुत बढ़ती जा रही है। छठ का बहुत महत्व है, और ये छठ माँ का महिमा अपरंपार है, जिसके कारण ही ये कठिन व्रत हम लोग 3 दिन तक एकदम उपवास करके सह पाते हैं। और ये हमारे घर में ऐसे तो जब से हुस हुआ है तब से मैं देखते आ रही हूँ कि ये छठ हो रहा है। दादी के समय भी हुआ, माँ की, और मैं पिछले 3 साल से कर रही हूँ। और ये माँ का अपरंपार कृपा है कि ये छठ बहुत अच्छे से हो पाती है। और आज नहाए खाए हैं, जिसमें आज हम लोग लौकी चावल घी का खाना शुद्ध खाना बना है, और बहुत शुद्ध तरीके से ये किया जाता है। और कल खरना है, इसमें हम लोग खीर पूड़ी वगैरह बनाते हैं। कल के पूरे दिन उपवास के बाद शाम को पूजा करके फिर दूसरे दिन हम लोग फिर फास्टिंग रख करके उसके बाद अर्घ देने के बाद तीसरे दिन ये व्रत हम लोग तोड़ते हैं। 3 दिनों तक जल ग्रहण नहीं कर पाते हम लोग? 3 दिनों तक जल ग्रहण नहीं होता है, और ये बस माँ की अपरंपार कृपा है, जिसके कारण ये संपूर्ण हो पाता है। कितनी शुद्धता का ख्याल रखा जाता है इस पर्व में? बहुत शुद्धता का ख्याल रखा जाता है। ये हमारे ये पर्व स्टार्ट होने के सप्ताह भर पहले से साफ सफाई हर चीज का ध्यान, हर चीज की पवित्रता का ध्यान रखा जाता है, ताकि हमारे घर बिल्कुल शुद्ध हो जाए, और ये शुद्धता से हम लोग माँ का पर्व कर पाए।